गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलो पहले बताओ, कोई न्यू स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज? यस। आपका नाम बताइए। नैना। क्या कैसे बोलिए? नैना। नैना नैना। अच्छा, और कोई है नैना? और कौन है? सही, आप भी न्यू हो, बोलो। मेघा? नहीं मैम, मैं न्यू नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। चलो ठीक है। नहीं ना, आपको बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है आपको? यस मैम। ओके ठीक है। नैना, आप कौन से ब्रांच से हो? ब्रांच बताइए, बताओ नैना। ब्रांच थाने। थाने थाने। अच्छा ठीक है। हाँ का कुछ क्वेश्चन बाकी था, ठीक है, वो पहले करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर ट मार्क्स टू पास ही गेट्स 90 मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आर 250। आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स बताना है, कितना आ रहा है? 250। अब ही गेट्स के बाद क्या है? कहाँ पे? ही गेट्स 90 मार्क्स। 90 है। हाँ 909 सही है। 250। टू फिफ्टी है। वेरी गुड दीनल। वेरी गुड हर्षल। और किसी का आया बताओ? A student has to secure 40% marks to pass. मतलब अगर total 100% है
तो 100% में से अगर 40% मिलता है कोई भी स्टूडेंट को तो वो पास हो जाता है, ऐसा बोला है। लेकिन आगे क्या बोला है, वो जो स्टूडेंट है उसे मिल रहा है 9090 मार्क्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसे कितना मार्क्स मिल रहा है, 9090 और 10 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो जो फेल हुआ है वो मार्क्स अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पासिंग मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब 90 मार्क्स उसे मिला है तो उसमें ऐड कर दो जो फेल हुआ है, मतलब अगर उसे 100 मार्क्स मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, यह पासिंग मार्क्स है, पास हो जाएगा अगर उसे 100 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, लेकिन 40% पासिंग है और पासिंग मार्क्स कितना है 100, मतलब 40% जो है उसकी वैल्यू कितनी है 100 है, और हमें क्या पूछा है मैक्सिमम मतलब टोटल पूछा है, तो टोटल अगर 100% का निकाल। मैम एक बार स्टार्ट से रिपीट कर दो ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। देखो स्टूडेंट को मिल रहा है 9090 मार्क्स, ठीक है, अगर वो 90 मार्क्स मिल रहा है और वो फेल हो रहा है 10 मार्क्स से, तो उसे अगर 10 मार्क्स मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, तो क्या किया 90 प्लस 10 किया 100 हो गया, तो अगर 100 मार्क्स उसे मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने ऊपर क्या दिया है कि 40% मार्क्स मिलना चाहिए अगर आपको पास होना है, 100 में से 40% मिलना चाहिए, तो ये जो यहाँ पे 100 आया है तो वो कितने परसेंट का वैल्यू होगा, 40% का, 40% का मतलब ही यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 मतलब भी पासिंग है, 40% मतलब भी पासिंग ही है, तो 100% निकालेंगे क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स पूछा है, तो अगर 40% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा 25 into 12 कितना होगा 250 मार्क्स, ये होगा हमारा आंसर 250 मार्क्स, मतलब 250 मार्क्स का टोटल था, उसमें से 100 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स। मिस नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझा, देखो नहीं मैम वो ऊपर का ही नहीं समझा, कैलकुलेशन तो सेम है बट वो ऊपर का नहीं आ, ये वाला नहीं समझा। हाँ देखो एक स्टूडेंट है उनको मिला है 90% मार्क्स, ठीक है, उन्होंने बोला एक स्टूडेंट है उनको 90 मार्क्स मिला है और वो फेल होते हैं 10 मार्क्स से, मतलब उन्हें 10 कम मिला है ना, अगर 10 मिला होता तो वो पास हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो मिल जाता उनको, लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो गए हैं और उन्हें 90 मिला है, तो 90 प्लस 10 कर देंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का ही मतलब क्या होगा कि पासिंग मार्क्स होगा, मतलब उस स्टूडेंट को अगर 100 मिल जाता मार्क्स तो वो पास हो जाता ना, 100 मार्क्स मिलेगा तो पास होगा, ठीक है, मतलब ही 40% उन्होंने बोला है कि अगर आपको पास होना है तो आपको 40% चाहिए, अगर आपको पास होना है तो आपको 100 मार्क्स चाहिए, तो 40% होने के लिए 40 चाहिए, तो इसलिए 100 की वैल्यू 40 के परसेंट के बराबर रहेगी, ऐसा क्या? हाँ 100 मार्क्स की वैल्यू 40% के बराबर। ओके मैम वो क्वेश्चन ही नहीं समझा था ना इसलिए। ओके ठीक है, देखो ये अगर ये खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया तो न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा न्यू चैप्टर, ठीक है, लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा, आज न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा। मैम तो इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन लोगे ना? रेशियो लेना है, एक्चुअली रेशियो लेने वाली थी मैं, लेकिन मॉर्निंग में भी रेशियो ही स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे रेशियो ही लेना है। नहीं हुआ रेशो? नहीं हुआ है मैम, रेशो प्रोपोर्शन नहीं हुआ और एवरेज भी नहीं हुआ मैम। अच्छा ठीक है, 40 मैक्सिमम मतलब टोटल पूछा है ना, कहाँ पे? हाँ मैक्सिमम मतलब टोटल मार्क्स होता है, मैक्सिमम मतलब टोटल। एवरेज ही लेना है, एवरेज या रेशियो। एवरेज
एवरेज भी नहीं हुआ है क्या ये चैप्टर ये बैच में? नो मैम, एवरेज नहीं करती। ठीक है, एवरेज चाहिए तो एवरेज ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैच में कौन कौन से चैप्टर हुए मैम? अभी ये बैच में आपने कभी किया है ज्वाइन काजल, बताओ? ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा। हाँ, सेकंड लेक्चर है ना, तो आपका वैसे भी आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है, आपका वैसे भी सब होने ही वाला है, आपके लिए सब सब कुछ नया ही है। जिनका हुआ है तो उनको देखना पड़ेगा कि कितना बाकी, आपको देखने का जरूरत नहीं है, अभी अभी तो आप आए हो ना, तो अभी आपका तो पूरा का पूरा पोर्शन बाकी है, तो आप वो देखो हाँ। कि आपका क्या हुआ है वो आप देखो, मतलब क्या बाकी है वो बता सकते हो बाद में। ठीक है मैम, एक बार प्रोबेबिलिटी लो ना। क्या क्या लेना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वो तो एक्चुअली एसएससी का एग्जाम चालू है, इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लिया है, एसएससी में नहीं आएगा ना, इसीलिए नहीं लिया है। एसएससी में नहीं आता तो इसलिए एग्जाम था अभी एसएससी का चालू था, इसीलिए नहीं लिया था मैंने। तो टॉपिक लो गया परसेंटेज के बाद। अभी सब बोल रहे हैं एवरेज लेना है, रेशियो लेना है। मैम एसएससी का सब खत्म होने वाला है। हाँ क्या हुआ? एसएससी का कब एग्जाम खत्म होने वाला है? एसएससी का वो एग्जाम चालू था इसलिए नहीं लिया मैंने, उनको नहीं आता ना ये। ठीक है, एवरेज एवरेज ले लेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में रेशियो चालू है तो मॉर्निंग में सेम टॉपिक रिपीट होगा, तो इससे अच्छा एवरेज ले लेंगे, एवरेज भी बाकी है उसके बाद फिर रेशियो ले लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन मिस प्रोबेबिलिटी भी नहीं हुआ है? हाँ मैंने नहीं लिया क्योंकि एग्जाम चालू था ना एसएससी का, इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो मैम अभी प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे आप? लेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे, लेंगे फिर से लेंगे, लेना ही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं लेंगे, कुछ दिन के बाद। दो के तीन बार रिपीट हुआ दोनों टॉपिक। डीआई हाँ मैम। नहीं 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 नहीं, अरे अभी रिसेंटली हुआ था, नहीं लूंगी अभी डीआई। परसेंटेज तो मत लो मैम। परसेंटेज अभी देखो डीआई तो नहीं होगा, अभी डीआई तो फिर रिपीट नहीं, अभी रिसेंटली हुआ है ना। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स लेंगे मैम। आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा क्या? हाँ आज खत्म होने का चांस तो है क्योंकि मैम ने प्रोबेबिलिटी ना मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून तीनों के भी बैच में बहुत दिन नहीं हुए हैं, बहुत दिन से नहीं हुए। नहीं वो लेना ही है मुझे, एक बार लेना ही है, तीनों बैच में लेना है लेकिन अलग अलग टाइम पे लेना है। और मेन बात ये है कि एसएससी में वो नहीं आता इसलिए वो प्रॉब्लम है, नहीं तो ले लेते हम। जैसे अभी क्या है वैसे ही करना है, सेम वैसा ही है ये भी। 500 मैम। 500 ओके, एक सेकंड। यस मैम। 500 मैम। 500 सही है, वेरी गुड। वेरी गुड सही है। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड बादल। अभी क्या है वैसे ही सेम करो, आएगा आंसर सेम वैसा ही क्वेश्चन है।
वेरी गुड दीपाली. यस मैम 500. वेरी गुड आरती. क्या करोगे, जितना मार्क्स मिला है 125 मिला है और वो जो स्टूडेंट है फेल हो रहा है 40 मार्क्स से, तो 40 मार्क्स ऐड कर दो. ये कितना हो जाएगा 165. तो ये क्या होगा, पासिंग मार्क्स. और पासिंग मार्क्स का परसेंटेज दिया है 33. तो 33% का वैल्यू कितना है 165. तो 100 मार्क्स 100% क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स पूछा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 165 × 100 / 33. यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली 5 × 100 = 500. ये हो जाएगा टोटल मार्क्स. मैम अगर 40 मार्क्स की जगह पे परसेंट दिया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? परसेंट क्या बोल रहे हो? यहाँ पे जो मार्क्स दिया हुआ है 40 मार्क्स, वहाँ पे जो परसेंट में दिया होता लाइक 2% और 3% फेल बाय 4%, तो कैसे करते हैं? तो इसमें से माइनस करना पड़ता, ये परसेंटेज से माइनस करना पड़ता. हाँ परसेंटेज से माइनस करोगे तो जो परसेंटेज आएगा उसका वैल्यू ये हो जाता है. ओके मैम. The cost of an article worth ₹100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is 21, ma'am. Say it. Ma'am, first and again है या फिर first again है वो? नहीं, अगेन 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 है. मैम 120 नहीं है. देखो टोटल इंक्रीज इन रुपीज, मतलब रुपीज में टोटल इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज रुपीज कितना होगा वैसे नहीं पूछा है, टोटल इंक्रीज कितना होगा वो पूछा है. अच्छा ओके मैम. 121 मैम. 21. वेरी गुड डिनल, सही है. वेरी गुड जय. 21 मैम. 21 वेरी गुड उपासना. वेरी गुड आंचल. टोटल इंक्रीज इन रुपीज बोला है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 ले लो. पहले क्या हुआ है कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है. कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 10% से. तो 10% जो आएगा पहले किसका आएगा, 100 का. तो 100 का 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें ऐड होगा, मतलब 110 हो गया. ठीक है, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया. अभी फिर से बढ़ रहा है, तो जो फिर से बढ़ेगा ना, तो आप 100 से नहीं जाओगे. कोई भी वैल्यू अगर फिर से बढ़ता है ना, तो जो बढ़ा हुआ वैल्यू है इंक्रीज करके ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर आप निकालोगे परसेंटेज. पहले वैल्यू पे नहीं निकालना है. तो फिर से बढ़ गया 10% से, तो 100 पे नहीं आएगा, 110 का 10% आएगा. 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, कितना होगा 11 होगा. तो ये कितना हो जाएगा 121.
ठीक है, एडिशन हो जाएगा। अभी ये उन्होंने पूछा है कि टोटल इंक्रीज इन रुपीस, मतलब पहले था 100 अभी हो गया 121, लेकिन इंक्रीज रुपीस नहीं पूछा है कि उन्होंने बोला है कि कितना कितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ेगा 21 से ना, यहाँ पे है 121, यहाँ पे है 100, तो 21 से बढ़ेगा, तो आंसर होना चाहिए 121 नहीं होगा। इंक्रीज बाय 10%, तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा, फर्स्ट 10% से इंक्रीज हुआ तो 100 + 10 110 हो गया, अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो 110 का 10% कितना आया, 11 से इंक्रीज हुआ, 110 + 11 कितना होगा, 121, तो ये पहले था 100 अभी हुआ है 121, टोटल इंक्रीज इन रुपीज पूछा है, टोटल इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज रुपीज नहीं पूछा, टोटल इंक्रीज इन रुपीज, तो 121 माइनस 100 कितना होगा, 21, तो हमारा आंसर होगा 121 नहीं होगा। ऑप्शन में 121 भी होगा, आपको क्लिक करना है 21। मैम अगर टोटल इंक्रीज रुपीज इज बोला तो 121 ना, क्या क्या बोल रहे हो, दैट टोटल इंक्रीज्ड रुपीज, हां 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 सही सही 121 ना, सही सही। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर of denominator is decreased by 20%, the value of the fraction becomes 4/5. Find original fraction.
मैम 4/5 ही आएगा, नहीं सेम आ रहा है, 5/6 भी नहीं है। और किसी का आ रहा है आंसर? मैम 4.5। हेलो कितना आ रहा है बोलो मैम? 4.8/4 4.8.4 19/30 भी नहीं है। और किसी का आ रहा है? 9/5 भी नहीं है। हम 12/10 नहीं, 12/10 भी नहीं है। सिक्स बाय फाइव भी नहीं है। ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही 4.8/4 हाँ वही ना, मतलब 3/6 ये कुछ फ्रैक्शन हुआ, 1/2 बोल दो, फिर 1/2 बोल दो। एक ही मतलब आपका ही 4 से 5 आंसर आया आपका विकास। चलो ठीक है, देखो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं हमें। तो यहाँ पे लेंगे जो न्यूमरेटर है वो है एक्स और जो डिनोमिनेटर है वो है वाई। ठीक है, ले लिया, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया तो फ्रैक्शन में होगा तो एक्स बाय वाई आएगा। ठीक है, अभी जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 20% से। ठीक है, मतलब एक्स में कितना ऐड होगा? 20% ऐड होगा, तो किसका 20% ऐड होगा? एक्स का ही 20% ऐड होगा, मतलब एक्स इंटू 20/100 यही करेंगे ना, मतलब जो एक्स डायरेक्ट एक्स प्लस 20 नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं 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 नहीं, एक्स प्लस 20 कब लिखेंगे? जब 100 होता तो हम डायरेक्टली 20 लेते, वैसा नहीं आएगा यहाँ पे, वैसा मत करो, वैसा रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स प्लस 20 नहीं लिखना है, एक्स का 20% ऐड हो रहा है, एक्स 100 नहीं है, एक्स क्या वैल्यू है हमें नहीं पता है, तो एक्स लोगे उसमें ऐड करोगे एक्स का 20% क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 20% से। ठीक है, तो x प्लस 100 नहीं लेना है। उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब y की बात हो रही है, वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो कितने से डिक्रीज हो रहा है? 20% से, तो y का ही 20% निकाल के हम कम करना पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? y इंटू 20/100। तब उन्होंने बोला है कि जो न्यूमरेटर है उसे 20% से बढ़ा दो, जो डिनोमिनेटर है उसे 20% से माइनस कर दो, तब आपका जो नया फ्रैक्शन बनेगा, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन है वो 4/5 बनेगा। कब बनेगा? जब हम पहले ऐड कर देंगे 20%, उसके बाद 20% माइनस कर देंगे, जो वैल्यू होगा वो 4/5 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 100 क्यों ऐड क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्टली नहीं ले सकते हम, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि वो वैल्यू दोनों का दोनों अलग अलग है ना, दोनों को 100 करोगे तो वैसे भी 1 ही बोल दो, फिर 1 बोलना अच्छा है ना, क्योंकि दोनों को दोनों अलग अलग वैल्यू है, क्या वैल्यू हमें नहीं पता है, और एक्स और वाई दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, सेम वैल्यूज भी नहीं है, तो 100 दोनों लेके कैसे चलेगा? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे x और y ही लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नीचे भी x क्यों नहीं लिया, y क्यों लिया, क्योंकि दोनों अलग अलग है, कितना है क्या डिफरेंस है कुछ नहीं पता है, इसीलिए assumption यहाँ पे एक्स वाई करना पड़ेगा, 100 से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये होगा 1/5, यहाँ पे भी होगा 1/5, मतलब एक्स प्लस एक्स बाय फाइव डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई बाय फाइव इक्वल्स टू 4/5 हो जाएगा। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 1 6x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई 5y माइनस वाई
फोर वाई डिवाइडेड बाय फाइव हो जाएगा इक्वल्स टू फोर डिवाइडेड बाय फाइव। ठीक है, अभी ये क्या कर दो, अभी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। हाँ बोलो मैम, वो नीचे का इक्वेशन आप किधर ऊपर लिख सकते हो क्या, बिकॉज वो दिख नहीं रहा है। एक सेकंड अभी दिख रहा है। हाँ मैम, अभी ये 6x डिवाइडेड बाय 5 है, हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अभी ये जो है ना डिनोमिनेटर में जो है ना वो उल्टा होगा, मतलब ये ऊपर जाता है तो उल्टा होके जाता है, मतलब क्या होगा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4y है ये। ठीक है, 4y 44 नहीं है, ये y है, सब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 4y आ जाएगा इक्वल्स टू ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली 4/5 आ जाएगा। पाई और पाई कैंसिल होगा, 2 × 3 2 × 2 क्या बचेगा 3x डिवाइडेड बाय 2y इक्वल्स टू 4/5 तो x बाय y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 × 2 डिवाइडेड बाय 3। ये उल्टा होगा, ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, 4 × 2 8 और 5 × 3 15 x बाय y का वैल्यू हो जाएगा 8/15। किसी को डाउट है बोलो। मैम ये 4y/5 का क्या कैसे किया आपने, लास्ट लाइन? हाँ मैम, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे 4y/5 ये कैसे किया 5x प्लस, हाँ वो 5 6x डिवाइडेड बाय 5 5y माइनस y 4y डिवाइडेड बाय 5। समझा कैसे किया है ये 4y? ठीक है, आपको फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्टली 1/5 लोगे तो भी चलेगा। हाँ बोलो मैम, जो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस ले रहे हो उसी टाइप के आएंगे ना सर? देखो उसी टाइप के आएंगे, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो, ये अगर आपको परफेक्टली आ रहा है तो ये इसी पे ही नहीं रहना है, और भी प्रैक्टिस सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन ये अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आए तो भी आप वो कर लोगे, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ होगा तब तक। ठीक है, लेकिन ऐसे ही टाइप के एग्जाम्स में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ओके मैम, मैम जो ये आपने राइट साइड में 6x/5 × 5/4y किए हैं मैम, लेकिन जब वो इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तभी डिवाइड वाला इंटू होता है ना मैम, बट यहाँ तो इक्वल टू बाद में। लेकिन ये उल्टा हो रहा है ना, ये डिवीजन है, उसके बाद ये जो डिवीजन है यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, तो ये ऊपर जाएगा तो भी उल्टा ही होके जाएगा, ऊपर जाएगा ना तो ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन होता है तो ऊपर जाता है तो भी उल्टा होके ही जाता है। ओके मैम, ओके मैंने ना मैम, वो 6x ऐसा है, फिर से बताएं 6x ये वाला, अच्छा ये वाला ना। हाँ मैम, ये मल्टीप्लाई किया है 5 × x कितना होगा 5x प्लस एक्स 6x हो जाएगा। okay, और ये डिवीजन में 5 है एज इट इज, वैसे ही y का भी किया है 5y माइनस y 4y डिवाइडेड बाय 5। हेलो, हाँ बोलो मैम, ये फर्स्ट स्टेप एक बार रिपीट करूँ ना, ये वाला? हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पे x और y माना है, ठीक है, फ्रैक्शन को, और उन्होंने बोला है इंक्रीज ना, तो जिसका जो वैल्यू उसी का ही हम परसेंटेज निकाल के ऐड करते हैं, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी दिया हो, जिसका परसेंटेज बोला है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो पहले उसका 20% निकालेंगे, वो ही ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे तो ऐड होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो कितने परसेंट से 20%, तो x का 20% ऐड कर देंगे, वैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है इसीलिए माइनस आएगा, और y का ही 20% निकालेंगे, उसी में से माइनस कर देंगे, और उसी का ही फ्रैक्शन क्या होगा 4/5, तो यहाँ पे 4/5 आएगा। ठीक है, तो वैसे परसेंटेज निकाल के आपको अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है, और इन दोनों का ही, एक्स का अगर 20% से बढ़ रहा है 30% से, तो उसी का ही परसेंटेज निकालना है।
मैम और आपने जो यहाँ पे 3x/2y = 4/5 था, इसका जो मतलब जो x और y है वो छोड़ के 3 और 2 को उस साइड ले लिया है, ऐसे करते हैं हम लोग? हाँ करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा ना, x और y चाहिए हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन, x और y चाहिए तो इंटू में है, तो वहाँ पे भी इंटू में ही जाएगा, यहाँ पे तो इंटू में है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाता है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आता है, वो एक किया है ना, डिवीजन में जो होता है वो ऊपर जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में आता है। कब कर दो? The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30% if the resulting price is ₹416. Find original price. मैम रिजल्टिंग प्राइस का क्या मतलब होगा? रिजल्टिंग प्राइस मतलब जो दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन, एक ओरिजिनल प्राइस होगा, उसके बाद जो किया 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, ठीक है मैम? 400 400 आ रहा है। एक सेकेंड, सही है 400 मैम, 400 आ रहा है। सही है, सही है, वेरी गुड। मैम अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा होगा तो हम लोग 100 ही अज्यूम करेंगे ना? हाँ यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, 20% में दिया ना, कर सकते हो आप। और किसी का आया? आंसर क्या है? आंसर आपका कितना आया? 400 आना चाहिए। 400 सही है, 400 सही है, वेरी गुड, सही है।
देखो पहले हम लेंगे 100, ठीक है 100 ले लिया, कि हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है 100 है, ठीक है। अभी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 से डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस होगा, तो कितना वैल्यू बन जाएगा 8080, ठीक है डिक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, देन इंक्रीज्ड बाय 30%, तो 100 का 30% नहीं आएगा, 80 का 30% होगा, तो 80 × 30 / 100 इतना होगा 24, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ऐड होगा, प्लस होगा 24, 104 हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, ये होगा ओरिजिनल और ये होगा रिजल्टिंग, ठीक है। अभी हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, क्या वैल्यू दिया है, ये वाला रिजल्टिंग प्राइस दिया है 416, तो हमारा रिजल्टिंग कितना आया है 104, तो 104 का वैल्यू कितना दिया है 416, तो ओरिजिनल पूछा है मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा, क्या करोगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डायरेक्टली 4 से जा रहा है, डायरेक्टली 4 से जा रहा है, तो 4 × 100 क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है बोलो। मैम अगर अज्यूमिंग प्राइस दिया है तभी 100 से करना है ना, नहीं तो अगर डायरेक्ट प्राइस दिया रहता तो वैसे कर देते हैं जैसा पहले था। हाँ ओके, यहाँ पे रिजल्टिंग प्राइस दिया ना, परसेंटेज में सब वैल्यू है तो 100 से जा सकते हो। ओके किसी को डाउट है, नो मैम ओके चलो मैम 1 मिनट लिख रहा हूँ, लिखो लिखो। हो गया लिख के रफ कर दूं,
in an election there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of votes and is defeated by the other candidate. By 298 votes. Find total numbers of votes polled. मैम वोट्स के बाद लास्ट वर्ड क्या लिखा है? पोल्ड POLLED. कितना है आंसर? आंसर कितना है बताओ? मैम 1490 है क्या? सही है, सही है, वेरी गुड, सही है. और किसी का आया? मैम 1490. वेरी गुड, बादल सही है. In an election, there were only two candidates. Okay? One of the candidates secured 40% of the votes and is defeated by other candidates by 298 votes. ठीक है? मतलब यहाँ पे हमें पहली बात तो assumption करना पड़ेगा कि जो 100 है वो क्या है? Total number of votes है. ठीक है? यह है total.
अभी उन्होंने बोला है कि दो कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो इलेक्शन है वहां पे दो कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो वो उसमें से जो वन कैंडिडेट है उसे 40% मिला है, टोटल वोट्स का 40% मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट्स को कितना मिला होगा, कितना परसेंट मिला होगा? 60% मिला होगा, ठीक है, तो दो कैंडिडेट्स है, ठीक है, एक को मिला है 40%, तो 100 का 40% 40 आएगा, तो जो बचेगा उसे तो 60 ही मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा, 100, दोनों का एडिशन तो 100 होना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो दूसरा कैंडिडेट है उससे हराया है कैंडिडेट में बाय 298 वोट्स, तो यहाँ पे बोला है कि 298 दिया है, वो किसी को मिला नहीं है, विनर और लूजर को वो मिला नहीं है, ठीक है, जिसको ज्यादा मिलता है वही जीतेगा, मतलब ये 60 वाला जीत रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है जो 298 है ना वो एक्स्ट्रा मिला है, मतलब जितना लूजर को मिला उतना विनर को मिला ही है, लेकिन उससे कितना ज्यादा मिला है, तो उससे 298 ज्यादा मिला है, इसीलिए वो जीत गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये लूजर है, ठीक है, 40 और ये है विनर, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 20, 60 माइनस 40, यहाँ पे आ रहा है 20 का डिफरेंस, तो ये है यहाँ पे विनर कितने से जीत रहा है, 20 से जीत रहा है, तो यहाँ पे कितने से जीत रहा है, क्योंकि इसके आगे क्या दिया है बाय, तो एग्जैक्ट वोट्स नहीं मिला है, उन्होंने बोला है इतने वोट से जीत रहा है, तो यहाँ पे जो 20 होगा उसका वैल्यू उन्होंने दिया है 298, 20 का वैल्यू है 298, और उन्होंने बोला फाइंड नंबर ऑफ वोट्स होल्ड, मतलब 100 का वैल्यू पूछा है, तो 20 का वैल्यू अगर 298 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 298 into 100 divided by 20, 0 cancel, 2 से divide करेंगे, यहाँ पे आएगा 1490, ये हो जाएगा हमारा आंसर, टोटल नंबर ऑफ वोट्स था 1490, किसी को डाउट है बोलो, मैम हाँ बोलो, वो 298 वाला नहीं समझा, वो रिपीट करो ना वापस, उन्होंने बोला है कि जो देखो दोनों जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, दो ही कैंडिडेट्स है, उसमें से जो जीता है विनर जो है उनको 298 ज्यादा मिला है, क्योंकि 298 के पहले क्या दिया है बाय, ठीक है, तो एग्जैक्ट वोट्स नहीं दिया उन्होंने कि विनर को इतना वोट मिला है या तो लूजर को इतना मिला है, वो नहीं दिया है, 298 मतलब क्या है कि विनर को इतना ज्यादा मिला है, दोनों को सेम मिला है, लेकिन विनर कितने से ज्यादा जीत रहा है, तो 298 से जीत रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 20 उसका ही मतलब 298 होना चाहिए, क्योंकि 40 दोनों को मिल रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 ज्यादा मिल रहा है, तो 20 का वैल्यू 298 होगा ना, समझा अभी, 20 का वैल्यू अगर 98 है, 298 तो 100 का वैल्यू कितना होगा, समझा मैम, समझा, मैम हो गया, रब कर दो ना, यस मैम, टू कैंडिडेट्स
contested in an election one got 60% of the votes and won by 1600 votes. What is the number of votes polled? Eight thousand सही है, very good. 8000. मैम 8000. सही है, very good. वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड सई, वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड बादल, वेरी गुड आरती, वेरी गुड दिनल, वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड रम्या, सही है. हेलो मैम. हाँ बोलो. ये जो लास्ट वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे ये? हाँ मतलब वोट्स पोल्ड होता है. वोट्स पोल्ड मतलब जो हम देते हैं वोट्स, वो ही उसे ही बोलते हैं वोट्स पोल्ड होता है. मतलब कैसे बताओ, जो हम देते हैं वोट्स वो ही वोट्स मान लो, ठीक है. मतलब वोट्स पोल्ड मतलब कितना नंबर ऑफ वोट्स मिला था, ऐसे हो गया उसका मीनिंग, ठीक है. उतना कुछ अलग मीनिंग नहीं है उसका, अलग मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है. जो हम देते हैं वो ही वोट्स होता है, वोट्स पोल्ड उसे ही बोलते हैं. चलो, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स. तो यहाँ पे 100 मानेंगे हम, 100 का 60% 60 हो जाएगा, ठीक है. पहले वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वोट्स, ठीक है. मतलब 60 मिल गया तो दूसरे को तो 40 ही मिलना चाहिए, दोनों का एडिशन 100 होना चाहिए. और वन बाय मतलब यहाँ पे तो डिफरेंस लेंगे, 20 का वैल्यू कितना है, 1600 है. और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था, तो 100 था टोटल नंबर ऑफ वोट्स. तो 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 यहाँ पे हो जाएगा 8000. 8000 सही, ये होगा आंसर. ये भी सेम क्वेश्चन था जैसे लास्ट क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसे ही था. कब का आया आंसर?
in a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510. Then find total number of students in the school. 1,700. Say. 1,700 सही है। 1,700 मैम। वेरी गुड हर्षल सही है। मैम 1,700 वेरी गुड सही है। 70% स्कूल में 70% मतलब 100 का 70% 70 आएगा वो है गर्ल्स, तो जो बचेगा वो बॉयज ही होना चाहिए, तो कितना बचेगा 30 हो जाएगा बॉयज। और किसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, बॉयज दिया है कि बॉयज जो है वो है 510, तो 30 का वैल्यू कितना है 510। और किसका पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा 17 into 100 हो जाएगा, ये होगा आंसर। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड बादल, सही है सबका। Fresh fruit contains 68% water and
ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वॉटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजीज ऑफ फ्रेश फ्रूट? Sixty-seven point five.
67.52 आया है अंशिका. यस मैम. इसका आंसर आया है. अरे नहीं, ये लिया था ना, भूल गए. चलो, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर. ठीक है, अभी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में देखो, एक ही जो फ्रूट है, ठीक है, मतलब ग्रेप्स का एग्जांपल ले लो. ग्रेप्स होता है जब फ्रेश होता है, ठीक है, तो उसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होता है ना. ग्रेप्स में वाटर का क्वांटिटी जब फ्रेश होता है, वो वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होता है. तब वो जब ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो वाटर उसका कम हो जाता है, लेकिन वाटर होता है उसमें, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में कम होता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का जितना भी परसेंटेज लिया है आप लिख लो. मतलब पहले लिखोगे फ्रेश फ्रूट, यहाँ पे आएगा पल, यहाँ पे आएगा वाटर. ठीक है, अभी जो वाटर है वो तो पता है, फ्रेश जो भी फ्रूट होता है उसमें हर फ्रूट में वाटर तो होता ही है. ठीक है, लेकिन पल्प मतलब वाटर निकालने के बाद जो भी फ्रूट में होता है, ठीक है, वो सबको क्या बोलते हैं, पल्प. तो चाहे फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, तो जो आपका पल्प होता है वो जो वेट होता है उसका वो कभी चेंज नहीं होता है. पानी का वेट कम ज्यादा हो सकता है फ्रूट में, जैसे ग्रेप्स में पानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो पल्प है पानी निकालने के बाद जो भी बचेगा उसे पल्प बोलते हैं. तो जो पल्प होता है वो ड्राई फ्रूट ले लो या फ्रेश फ्रूट बोलो, दोनों में सेम होता है. ठीक है, तो जो हमें दिया है परसेंटेज लिख देंगे, मतलब 68% वाटर है फ्रेश फ्रूट में, तो वाटर के यहाँ पे लिख दो 68. तो पल्प कितना होना चाहिए बताओ? 42 होना चाहिए. 42 32 सही है. ठीक है, मतलब दोनों का एडिशन 100 होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज में दिया है. तो यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे फोर से तो नहीं होगा, हो जाएगा. चलो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 17. ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया और रेशियो में ला दिया. पल्प है 8 फ्रेश फ्रूट में, वॉटर है 17. ठीक है, अभी आएगा ड्राई फ्रूट. ड्राई फ्रूट में बोला है 20% वाटर है, तो वाटर के यहाँ पे लिख देंगे 20. तो कितना आएगा पल्प? 80 आ जाएगा, डायरेक्टली 80 आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा बताओ? रेशियो कितना आएगा? 4:1. ठीक है, सही है. फ्रेश फ्रूट का रेशो मिल गया, ड्राई फ्रूट का रेशो मिल गया, लेकिन जो पल्प होता है वो दोनों में सेम होना चाहिए ना, तभी हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं जो भी वैल्यू दिया है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ड्राई और फ्रेश फ्रूट दोनों का जो पल्प है उसे सेम करना पड़ेगा. सेम करना पड़ेगा, सेम करने के लिए क्या नहीं कर सकते? तो 8 है, यहाँ पे 4 है. ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना. मैम वॉइस कट रही है आपकी. वॉइस जा रहा है. ऐड नहीं करना है, ऐड क्यों करना है? दोनों में पल्प पल्प अलग होगा ना, फ्रेश फ्रूट होगा या तो ड्राई फ्रूट. मैम आवाज नहीं आ रहा है. अभी क्लियर आ रहा है? बोलो, अभी क्लियर है या अटक रहे अभी भी? अरे आ रहा है मैम, क्लियर है. अभी ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है. नहीं मैम. अभी क्लियर है मैम, अभी क्लियर है ना? मुझे लेकिन मुझे आपका सबका वॉइस अटक रहा है, मुझे मतलब मेरा अटक रहा होगा शायद. नहीं मैम आपका क्लियर आ रहा है. नहीं थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू. आवाज नहीं आ रहा मैम. ठीक है चलो, पूरा ही गया.
तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पल है उसे सेम नहीं आ रहा है, एक सेकंड ब्रेक हो रहा है, हो रहा है ब्रेक हो रहा है। अभी वॉइस आ रही है क्लियर, बताओ। वॉइस क्लियर है मैम। अच्छा जो पल्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है एट, यहाँ पे है फोर, तो क्या करना चाहिए सेम करने के लिए? मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर फोर से, तो हो सकता है ना, तो भी हो सकता है, लेकिन अगर फोर को टू से करते हैं तो भी तो एट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी चलेगा। फोर इंटू टू, यहाँ पे भी टू से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया एट, यहाँ पे हो गया टू, ठीक है। एट और टू हो गया, अभी सेम हो गया, अभी सेम हो गया। अभी देखो क्या, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट कहाँ पे है? ऊपर है। तो फ्रेश फ्रूट मतलब पल्प और वाटर दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है। सिर्फ वाटर और या तो सिर्फ पल्प में ही आएगा, फ्रेश फ्रूट बोलेंगे तो उसमें दोनों इंक्लूड होगा, पल्प और वाटर दोनों इंक्लूड होगा। क्लियर है ना बॉय? हाँ मैम, इको थोड़ा सा हो रहा है। हाँ मैम, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। यस मैम, मैम आवाज क्लियर है, बस ना थोड़ा सा शायद आपका माइक है ना टच हो रहा होगा कपड़े से, इसलिए सर। क्या एक्सप्लेन करूँ, अभी अभी क्लियर है? बिल्कुल अभी अटक रहा है। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो उसके साथ ठीक, 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। फ्रेश फ्रूट का बात कर रहे हैं तो हम दोनों में ये दोनों का एडिशन होगा फ्रेश फ्रूट, ठीक है। एक पल्प या तो वाटर नहीं होगा, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा तब हमें फ्रेश फ्रूट मिलेगा। तो दोनों का एडिशन कितना होगा? 25, इन दोनों का एडिशन 10, ठीक है। तो हमारा जो ड्राई फ्रूट है रेशो में वो है 10, फ्रेश फ्रूट है रेशो में वो है 25, ठीक है। अभी दिया क्या है, कितना वैल्यू दिया है? 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट दिया है, फ्रेश फ्रूट मतलब 25 का वैल्यू दिया है। 25 का वैल्यू कितना दिया है? 100 केजी मतलब 25 का वैल्यू है 100, और क्या पूछा है? ड्राई फ्रूट मतलब 10 का वैल्यू कितना होगा? अगर 25 का वैल्यू 100 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 10 40 केजी होगा, क्योंकि ये केजी है तो ड्राई फ्रूट ये तो केजी में होगा ना, तो ये हमारा आंसर होगा 4040। और
मैम हम एलिगेशन में जैसे करते थे दोनों को इक्वल करके जो इसका डिफरेंस लेते थे ना एलिगेशन में नहीं वो वाला ये सेम करना कंपलसरी है हाँ सेम नहीं नहीं सेम करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि पल्प सेम ही होता है ना तो पल्प तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए जनरली पल्प सेम ही होता है ना तो यहाँ पे भी सेम करना ही पड़ेगा हमेशा हो गया हो गया रब कर दूँ हो गया लिख के सबका यस मैम हेलो मैम हाँ मैम सॉरी नेटवर्क इशू था मैम आपने 25 को 100 कैसे लिया मैम मतलब क्योंकि 100 कैसे लिया नहीं 25 जो आया है वो फ्रेश फ्रूट का आया है ना 25 जो रेशो हमारा आया था ये जो यहाँ पे लिखा है 25 आपका क्वेश्चन हुआ है मैम 25 10 तलक समझा मैम लेकिन 25 को आपने 100 लिया और 10 को क्वेश्चन मार्क दिया ना मैम तो 25 को 100 कहाँ से लिया आपने मैम 100 लेने का मैम तो अगर 100 के जगह पर 200 होता या 500 होता तो हम लोग 500 लेते हैं हां जो भी दिया होगा वो ही लेंगे यहां पे 100 दिया इसलिए 100 लिया है ओके ओके मैम ठीक है Fresh fruit contains 60% water
एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वॉटर. How much dry fruit can be obtained from 520 kgs of fresh fruit? सेम टाइप में जैसे अभी किया वैसे ही ट्राई करो सब. टू सिक्सटी तो है ऑप्शन में. किसका आया 260? मेरा मैम. वेरी गुड अंशिका, सही है. मैम मेरा भी 260. वेरी गुड अंकिता. वेरी गुड श्वेता. वेरी गुड दीपाली. वेरी गुड विशाल. जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेम करना है सेम. और आपको जो वैल्यू दिया वहां यहाँ पे भी फ्रेश फ्रूट का ही दिया है 520 केजी और ड्राई फ्रूट का निकालना है आप. वेरी गुड रम्या, सही है. सही है. वेरी गुड. मैम मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए? मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आपका नाम? हाँ मैम. आपका नाम बताओ. किसने पूछा है? सॉरी मैम मैं हूँ अनु. अनु, अच्छा अनु. अनु बताया था ना आपको मैंने. मैम वो आरएस अग्रवाल रिफर कर रही हूँ मैम. मेरे को समझता मतलब बहुत ज्यादा लंबा मेथड. अच्छा आरएस अग्रवाल तो अड्डा का बोला था मैंने. अड्डा का ले लो फिर. अड्डा का भी बुक अच्छा है मैथ्स का. टॉपिक वाइज ले लो वो भी अच्छा है. कौन सा मैम?
अड्डा का बुक, अड्डा 247 का, बैंकिंग के लिए अच्छा है वो ले लो, फिर बुक ले लो उसका और चैप्टर वाइज ले लो। चैप्टर वाइज मतलब जैसे क्या पढ़े वहां पे क्वेश्चंस होता है चैप्टर वाइज, मतलब अगर जैसे अभी हम परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज का अलग से आएगा क्वेश्चंस, उसके बाद रेशियो का अलग से आएगा, एवरेज का अलग से आएगा, टाइम एंड वर्क अलग से, मतलब सबका अलग अलग चैप्टर होगा, ऐसे लो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अड्डा का बुक ले सकते हैं ना मैम, फिजिकल जो बुक है तो आपको वो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। मैम ऑनलाइन बुक परचेस करना होगा या फिर फिजिकल जो बुक मिलता है? नहीं नहीं ऑनलाइन मतलब वैसे नहीं, मतलब अब अमेजोन से मंगवाना पड़ेगा ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टोर में नहीं मिलेगा आपको, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलता है। ओके मैम, तो सवाल अड्डा 247 बैंकिंग के भी तो बहुत सारे बुक होते हैं ना? हाँ बहुत सारे होते हैं, तो टॉपिक वाइज ले लो और लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट एडिशन का होगा वो ले लो, क्योंकि नीचे लिखा होता है जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वहाँ पे लिखा होता है कि मतलब कौन सा बुक है, और जो लेटेस्ट होगा अपडेट किया हुआ वो ही करना चाहिए, वो ही करना चाहिए तो ही ले सकते हैं। Okay. उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन होता है इसलिए। चलो सबका 260 आया है, ठीक है, अच्छा है। चलो yes, फ्रेश फूड ठीक है, यहाँ पे आएगा फल, यहाँ पे आएगा वॉटर, 60% है वॉटर तो 60 आएगा, यहाँ पे पल्प आएगा 40, और दोनों का एडिशन तो वो तो बाद में होगा, फ्रेश फ्रूट और उसके बाद आएगा ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में है 20% वॉटर तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 18, 0-0 कैंसर, 4:1 आएगा। अभी यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2 तो इसे हम 4 बना सकते हैं, ये 4 है ऑलरेडी इसे 4 बना दो, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 2 ये हो जाएगा 4, 3 × 2 ये हो जाएगा 6, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन कर दो, 6+4 10 हो जाएगा हमारा फ्रेश फ्रूट, 4+1 5 हो जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट। अभी यहाँ पे बोला है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 520 केजी ऑफ फ्रेश, तो फ्रेश फ्रूट का टोटल हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 का वैल्यू कितना दिया है 520, और हमें पूछा है ड्राई फ्रूट मतलब 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू कितना होगा, 520 × 5/10, तो ये 0-0 कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 260 kg हो जाएगा हमारा सही, 260। मैम हो गया है ना, लेफ्ट कर सकते हैं ना? अच्छा अभी वैसे भी चैप्टर भी खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर लेना, एवरेज मैम, एवरेज में तो रेशन रेशन जो भी होगा मैम, डेटा सफिशिएंट वो तो देखो, वो तो प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपका सब चैप्टर्स अच्छा चाहिए, सब चैप्टर सब पोर्शन खत्म होना चाहिए।
डेटा सफिशिएंसी बोल रहे हो, डेटा सफिशिएंसी वो अलग है, वो उसके लिए वो तो वैसे भी हो जाएगा, उसका अलग अलग करना होता है, वो सब चैप्टर है ना, वो सब हो जाएगा पोर्शन, उसके बाद भी आप खुद से करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा चैप्टर है वो, क्योंकि सब उसमें सॉल्व करना ही पड़ता है डेटा सफिशिएंसी में। फिर तो अभी फिलहाल तो एवरेज ले लेंगे फिर, ठीक है, एवरेज नहीं हुआ है और प्रोबेबिलिटी कोई और लेक्चर में ले लेंगे प्रोबेबिलिटी। अभी किसी का एग्जाम है, अभी रिसेंटली बताओ, अभी किसी का एग्जाम आने वाला है, ऐसा कोई है बोलो, एग्जाम होगा तो बताओ, किसी का भी नहीं है, एसएससी का तो दो स्टूडेंट्स का ही था, ठीक है, ठीक है, फिर एग्जाम में तो हम मैम प्रोबेबिलिटी लो ना, सीजीएल का है, कब है संकल्प, 23 को है, अच्छा मतलब अभी आ गया 23, ठीक है चलो, तो अभी 23 को है ना, तो अभी आपको कोई चैप्टर लेना है बताओ, वो ले लेंगे फिर प्रोबेबिलिटी, अभी चलो पहले एवरेज लेते, ठीक है पहले एवरेज ही ले लेते हैं, एवरेज नहीं हुआ है ना वो पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद शायद फिर प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, चलेगा ना, ठीक है चलो, ठीक है ये खत्म हो गया मैम चैप्टर आज, हाँ ये खत्म हो गया, परसेंटेज का खत्म हो गया, अभी आप पहले ये रिवाइज करोगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है चलो, ठीक है बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय मैम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।